नमस्कार, आज हम देखेंगे सी विजिल इन्वेस्टिगेटर ऐप किस तरीके से कार्य करता है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल में सी विजिल ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए हमें cvigil.eci.gov.in पे जाकर सी विजिल इन्वेस्टिगेटर ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसे अपने मोबाइल में हमें इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर बहुत सारे सी विजिल के मैनुअल दिए हुए हैं, उनको आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं और ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ऐप डाउनलोड करने के बाद उसकी APK फाइल आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी और इसे आप अपने ब्राउज़र में जाकर डाउनलोड सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल होने के बाद सी विजिल ऐप से संबंधित कुछ परमिशंस आपसे ली जाएंगी और उसका इंट्रोडक्शन आपको यहां पर दिखाई देगा। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आप जैसे ही इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, जैसे SMS, फ़ोन स्टेट, लोकेशन, तो इसे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यह आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। तो जो कंट्रोल रूम को नंबर दिए हैं उस नंबर को यहाँ पर डालकर सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक कर आप इस ऐप को लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप मेनू को ओपन करेंगे तो यह आपकी प्रोफाइल दिखाई देगी। यहाँ पर प्रोफाइल देखने के बाद यदि आपको कोई केस असाइन किया गया है तो यहाँ पर रेड कलर के आइकन में आपको आपका केस दिखाई देगा। जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर केस से संबंधित जानकारी खुल जाएगी और आपको दिखाई देगा कि आपके पास कोई शिकायत प्राप्त हुई है। तो आप उस शिकायत को यहाँ से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप उसकी लोकेशन यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आपका सबसे पहले काम रहेगा कि आपको उस शिकायत जो आपको कंट्रोल रूम से प्राप्त हुई है उसे आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर दिए हुए सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यह आपको उस इंसिडेंस वाली लोकेशन का मैप दिखाई देने लग जाएगा और जैसे ही आप वहाँ से मूव करना चालू करेंगे तो GPS पर आपका मैप फिर आप कुछ इस तरीके से मूव करते हुए दिखाई देंगे। अब लोकेशन पर पहुंचकर जांच करने के बाद आपको अपना प्रतिवेदन RO को सबमिट करना है। इसके लिए आप शिकायत पर क्लिक करेंगे, अपना प्रतिवेदन RO को प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए पोस्ट योर रिप्लाई टू रिटर्निंग ऑफिसर पर क्लिक कर संबंधित लोकेशन से आपको कोई फ़ोटो वीडियो अटैच करना है। इसके लिए आप किसी वहाँ की जो लोकेशन है उसका फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट को यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपने द्वारा जो भी रिपोर्ट RO को प्रस्तुत की जा रही है उसका संक्षिप्त विवरण आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। सबमिट रिपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। आपके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से जो केस था अब RO के डिसाइडर ऐप पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। देख रहे होंगे कि जो रेड आइकन था उसमें आपके पास जो केस था वो ट्रांसफ़र हो गया और आपके केस जीरो हो गए हैं। अब यहाँ पर मेन्यू में जाकर आप डैशबोर्ड में और रिपोर्ट ऑप्शन में जाकर आपके द्वारा अभी तक कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं उससे संबंधित जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। एक संक्षिप्त रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर एक सुओ मोटो रिपोर्ट ऑप्शन का भी ऑप्शन है जिसके माध्यम से आप खुद भी यदि आपको लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो आप भी आपके इन्वेस्टिगेटर ऐप के माध्यम से रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं तो उसका प्रतिवेदन डायरेक्ट RO को प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।